हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्री छत्रपति राजश्री शाहू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बीड, इसके तरफ से 2024 का नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जूनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए। इस जूनियर ऑफिसर पोस्ट से आप इजिली IBPS RRB स्केल 2 ऑफिसर बन सकते हो, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करिए, इसमें मैं सारे वीडियो स्क्रीन शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइज, पुणे जिला नागरी सहकारी बैंक एसोसिएशन पुणे, इसके तरफ से जो है श्री छत्रपति राजश्री शाहू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बीड, इस बैंक के लिए वैकेंसी आया हुआ है। टोटल 18 पोस्ट का वैकेंसी है और कनिष्ठ अधिकारी दैट इज जूनियर ऑफिसर इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनिष्ठ अधिकारी इस पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। टोटल 18 पोस्ट का वैकेंसी है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ MScIT आपका होना चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है जैसे कि CCC या फिर CCC+, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राधान्य का मतलब होता है प्रेफरेंस। अगर आपने MCOM, MBA, फाइनेंस वगैरह किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर आपके पास बैंक का या फिर किसी पद संस्था का एक्सपीरियंस है तब भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट ये मैंडेटरी नहीं है। सारे के सारे फ्रेशर इसमें एलिजिबल है। एज लिमिट जो है मिनिमम 25 साल होना, मैक्सिमम 30 साल होना। बाकी इसमें एग्जामिनेशन फीस जो है 1180 रुपए एग्जामिनेशन फीस है। अप्लाई करने के लिए ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इस पे आपको अपना सारा रिज्यूमे वगैरह सारा कुछ जो है फिलअप करके सेंड करना है, और एप्लीकेशन फी भी आपको पेमेंट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फी पेमेंट कहाँ करना है यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, इस पे पेमेंट कर देना है। और जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल है या फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी दी हुई होती है उसको भी आप ऐड कर सकते हो ईमेल में। ठीक है, और डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। अगर आपका लॉगिन रहा होगा तो आपका जो है ऑलरेडी लॉगिन हो जाएगा, देन जो भी डिटेल मांगता है सारा कुछ फिलअप कर देना है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाइड हो जाएगा। इसमें आपका एक सिंगल एग्जाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पे फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। हो सकता है इसमें आपका इंटरव्यू भी ना हो, डायरेक्ट एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन हो, तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करके देख लेना, और फी पेमेंट करने का जब ऑप्शन आएगा तो फी पेमेंट कर देना, देन अपना जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो अटैच कर देना, UTR नंबर वगैरह, देन आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ये जो है कनिष्ठ अधिकारी दैट इज जूनियर ऑफिसर का पोस्ट है। इसमें अगर आप 2 साल काम करते हो इस बैंक में एज अ जूनियर ऑफिसर, देन आप IBPS RRB स्किल 2 ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो ये काफी बढ़िया है। बाकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 33,000 से 35,000 रुपीज पर मंथ जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। जॉब लोकेशन आपका बीड में हो सकता है, महाराष्ट्र में इसका जॉब लोकेशन होगा। बाकी अदर स्टेट वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको मराठी आना कंपलसरी है, अदरवाइज आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। तो ध्यान से इसका फॉर्म अप्लाई कर दे। छोटा सा अपडेट था, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में ही होगी। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।